मेरी गल सुनो, मैं नहीं हूं इस घर विच रहना। सारी दिहाड़ी घर दे काम करा, बाद च इन्हां दी गल्लां सुना। मेरा दम घुटदा हुण इत्थे। दम तेरा पुत बड़ा घुटदा, चार रोटियां ही पकौनी आ। कदी तेरा सिर पीड़, कदी तेरियां लत्तां पीड़। है जदों मैं व्याही आई सी ना पुत, उदों मैं सारे घर दा काम करदी सी। ते माता फिर हुण वी कर लिया कर, ओ क्यों घर च लड़ाई पाउंदे जे? करदियां पुत, सारे घर दा काम करदियां, रोटियां सवेर दियां पकानी आ, न्याणा वी मैं सांभा। हुण रात दी रोटी दी गल है, ओ वी मैं पका लिया करांगी। तू इंज कर, महाराणी के सर तेरी राम कर, तू लत्तां कोटे दियां। बस हुण बहुत हो गया, हुण मैं एक मिंट इस घर विच नहीं रह सकदी। तुसी कमरा लभो किराए ते। तुहाडी लड़ाई कदे नहीं खत्म होनी, हुण मुंडे कोई सोचना पैणा वा। हेलो। हाँ बंटी। हाँ हैप्पी, की हाल है? यार काम से एक तेरे नाल। क्यों, की हो गया? यार मैं बड़ी बड़ी टेंशन च है। कोई गल नहीं, मैं करे ही गा, तू करे आ जा। चल मैं आ गया। आजा हैप्पी, आजा अंदर ही। हाँ बंटी, की हाल है? वधिया वधिया, तू सुना? बस ठीक है यार। और सुना, की हो गया? की दसा यार, भाभी तेरी ते मम्मी दी बंदी नहीं, मैनू तां समझ नहीं लगती मैं की करां। रोज घर च लड़ाई पैंदी है। की कहिंदे भाभी? यार वो कहिंदे वख होना है। यार वख होना कोई सौखा पिया वा? भाभी की कहिंदी, बाहर कमरा वखरा लो। होर की यार, तू एक काम कर, तू वख ही हो जा घरों। यार की गल करदा तू, तू तां कोई चंगी सलाह दे। ये चंगी सलाह ही आ, तू मेरी गल मन, तू घरों वाखी हो जा। मेरा वो मकान पिया ना, उस च सारा समान लगा हुआ, तू कुछ नहीं करना। तीन चार दिन के कपड़े लै तो उत्थे भाभी नू लैके आ जा। बाकी तेन मैं कहना जिदा उदा कर। पांच सत्त दिन उन्होंने काम करना पैना, नाल बच्चा सामभना पिया, उसकी अकल आपे टिकाने आ जाने, आपे घर वापस आ जाओ। गल तो तेरी यार ठीक है, मैं हुणे घर जाना। तू घर जा ते अपनी मम्मी नू समझा ते घरों वख हो जा। तू ठीक है ना यार, तेरी मेहरबानी। कोई गल नहीं है। माता। हाँ। असी फैसला कर लिया, हुण असी वख होना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है गावी? ओ दिमाग ही तो खराब होया वा, ओ तुसी दोनों ने मेरा दिमाग खराब करता वा। तू साडे बारे की सोचिया, दस पहला मैनू। नहीं वीरे, मैं नहीं समझ तो बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रहिंदा वा। सही ता कह रही कुड़ी, दस पहला मैनू। मेरे ते यकीन रख, कुछ दिनों बाद आपे वापस घर आऊगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हुण सानू जान तो रोकी ना। जा मेरा पुत, जिथे भी रहो राजी रहो, तेरे ते मैनू पूरा यकीन ही। जा मेरा पुत। वो तो और ही रहो, तेनू नहीं पता तेरी माँ की सिर पीड़ होंदी है? एक तो तू टैटल आई है, रो रो मेरा पुत, और ही रहो। सिर पीड़ तो तू मेरी लाई होंगी, मेरे सिर पीड़ लागे तेरे अपने हो लग पी। हैलो, आ गया सर, दस मिनट आ गया। तू नहीं जाना लगता, नौकरी तो जाएगा। आ गया सर, आ गया। वो मैं चलिया वा, मेरी दवाई दे लिया दो। और तेरी दवाई भी ले आऊंगा। की होया, अजे ठीक नहीं आई? तुहानू नहीं पता मेरा सिर पीड़ होंदा पिया सवेर दा। मैनू भुख बड़ी लगी है, की बनाया? कुछ नहीं बनाया मैं, मेरे को नहीं बनी रोटी राटी।
सवेर का समर ने मैनू किन्ना तंग किया। 10 मिनट होए हुणे मैं सुआ के आई हूँ, नाले तू ही इन्नी देर कितने लाती। मैं सवेर का वेट करती पी हाँ कि दवाई लेके आएंगे मेरी। मैं मम्मी को चल गया सी। ते फिर रोटी भी उत्थे ही खा लेनी। हाँ चल जाना वा, उत्थे भी तो काम करती सी ना। यादगार किद्दां करती सी? शाबाश शाबाश। पापा जी जी लेके आ गए। हुण तेनू समझ लग गई मैं तेनू की समझाउणा चाहुंदा सी। पापा संबंध नूं छड्ड के जिथे मर्जी चले जांदे सी, जिथे मर्जी घूम फिर के आउंदे सी, सानू कोई समर दी फिकर तां नहीं सी। तूं समर नूं मम्मी नूं फड़ा के घर दे सारे काम कर लैंदी सी, फिर घड़ी आराम भी कर लैंदी सी। बच्चे दादे दादी दे हत्थां खेडदे चंगे लगदे, बच्चिआं नूं वड्डे वालदे ने। मैं नहीं रह सकदा मम्मी तों बिना, ते ना ही समर रहिंदा सिमरन तों बिना। तूं सानू ना जाण तों रोकिआ कर, असीं तां जाणा ही आ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਫਿਰ। ਆ ਵੇਖ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਮਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸਮਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆਇਆ ਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ। ਲੈ ਮਾਤਾ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।